एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन व्लॉगर नाज। अस्सलाम वालेकुम। ओ माय गॉड, ये सेंटा आ गया मेरे घर। ओ सेंटा आ गया, ये तो सेंटा आ गया। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी हूँ आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के करम से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने लंच की तैयारी। तो हाँ, लंच में मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, जो आजकल सभी के यहाँ बनता है दोपहर में, ज़्यादातर सर्दियों में। तो मैं बस मटर पुलाव बना रही हूँ यहाँ पर। 25 दिसंबर क्रिसमस, और आप सभी को इस क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर बहुत ही जमकर हो रही है, बहुत कम ही धूप निकल रही है, कभी निकलती है कभी नहीं, बहुत फॉग हो रहा है, तो जमके हो रही है, फॉग हो रहा है। और सर्दी के छोटे छोटे से दिन नहाने में काम निपटाते मतलब बहुत टाइम हो जाता है, तो 3-3.5 बजे जाते हैं तो हेयर वॉश करना हो तो। और देखिए, मैं यहाँ ब्लोअर चलाकर अपने हेयर वॉश किया है मैंने, तो बाल ड्राई कर रही हूँ। वैसे तो बाल ड्राई हेयर ड्रायर से भी कर दिए जाते हैं, ब्लोअर चला लिया जिससे मेरे हेयर भी सूख जाएंगे और गर्माहट भी मिलेगी। और बस तो ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ बहुत सब, ये बहुत ही ऑसम, बहुत ही अच्छा है ब्लोअर। और बहुत ही मैंने उस साल लिया था, छोटा सा मिनी ब्लोअर है बट बहुत अच्छा। ये जब फॉग वगैरह होते हैं तो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो बहुत मैं इस नहाकर इसके सामने ही बैठी गई थी, इससे मेरे हेयर ड्राई भी हो गए और गर्माहट भी मिल गई। तो ये देखिए बहुत अच्छा है, और ये 1100 का मुझे पड़ा था, उस साल मैंने लिया था। तो आप लोग भी ले सकते हैं इस तरह का, बहुत ही इफेक्टिव है। कौन है? एक मिनट। ओ माय गॉड, ये सेंटा आ गया मेरे घर। ओ सेंटा आ गया, ये तो सेंटा आया। ये सेंटा आया मेरे लिए, क्या लाया सेंटा? गिफ्ट लाया, ये गिफ्ट लाया, क्या लाया इसमें? ओए सेंटा, सेंटा देखो, सेंटा क्या अपना इस थैले में से बहुत सारे गिफ्ट लाएगा, गिफ्ट देगा सबको। ओ वाओ, अरे वाह, ये देखो छोटा सा सेंटा है, छोटा सा सेंटा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन व्लॉगर नाज। अस्सलाम वालेकुम। तो आज है 25 दिसंबर, और आप सभी को मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। और बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं क्रिसमस ट्री डेकोरेशन। देखो इसको दिखाई नहीं दे रहा है, देखो ये कैसे कर रहा है। देखो ये प्यारी सी सेंटा बैठी है हमारी, ये देखिए कितनी प्यारी सेंटा आई है हमारे यहाँ पर, और ये क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रही है। अभी जो सामान बाहर है उसको, इसको खोलो, मतलब इसको लाओ, इसको लाओ। इसको कैसे लगाएंगे दादी? अरे मैं लगा दे रहा, अरे नहीं लग पाऊंगा, अरे इसमें तो बोल ही नहीं है। चलो इसको दिखाइए, तो
यहाँ पर हो रहा है केक कटिंग, और बच्चे बहुत ज़्यादा भयंकर वाला झगड़ रहे थे, मैं कटिंग करूँगा, मैं कटिंग करूँगा, क्योंकि उनको पता था ये क्रिसमस का केक कटिंग हो रहा है, किसी के बर्थडे का नहीं, क्योंकि बर्थडे का होता है तो जिसका बर्थडे होता है वही कर लेता है। तो मैं आने यहाँ पर झगड़ा निपटाने के लिए मैं भी आ गई। सेंटा इतना लेट आया सेंटा। क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चे सदा भी बहुत एंजॉय करते हैं, सभी फेस्टिवल बहुत ही एंजॉय करते हैं, क्रिसमस ट्री। तो बस मेन मोटो यही है हमारा फेस्टिवल एंजॉय करने का, कि सभी कि बच्चों का एंजॉयमेंट हो जाए, बस कि बच्चे एंजॉय करें, और बच्चे सभी के फेस्टिवल को रिस्पेक्ट करें। जल्दी से डिनर की प्रिपरेशन कर लूँ, और 7:30 हो गया है ऑलमोस्ट, तो बस थोड़ा सा सेलिब्रेशन किया था, बच्चों की खुशी के लिए करना ही पड़ता है, बच्चे खुश हो जाते हैं और क्या, क्योंकि वैसे तो ऐसे खाते ही रहते हैं केक वगैरह, लेकिन ऐसे स्पेशल ओकेजन पर इस तरह से करो तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। हो गया जैसा कि मैंने बताया था, मैंने बनाया है चिकन का सालन और रोटी, बस यही सिंपल सा लंच, वो सॉरी लंच डिनर रहेगा हमारा। तो ये देखिए रोटियाँ बना के रख ली है मैंने, और ये सालन भी बन गया है, एकदम रेडी है सालन। तो बस बच्चे अभी देख रहे हैं अलादीन, और या तो उनको 9:00 से पहले खाना दे दीजिए, या फिर उसमें उनको फिर 9:30 के बाद ही खाते हैं, वो अलादीन ज़रूर देखते हैं। वैसे तो तारक मेहता, अलादीन और बालवीर, हाँ ये 3 सीरियल देखते हैं वो जरूरी से है।